हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेल इन्फॉर्मेशन एंड फैक्ट में। दोस्तों, आपने कभी तो ट्रेन में सफ़र किया ही होगा, तो आपने कभी ये सोचा है कि जब हम रिजर्वेशन करते हैं तब हमें सारी सीटें मनचाही जगहों पर क्यों नहीं मिलती। आज हम इसी विषय पर आपको जानकारी देंगे कि रिजर्वेशन के दौरान आपको आपकी मनचाही सीटें क्यों नहीं मिलती। ये बताने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि हमारी सारी जानकारी जो कि रेल से इंफॉर्मेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, भारतीय रेलवे की हजारों ट्रेनें प्रतिदिन कई यात्रियों को उनके मंजिलों तक पहुँचाती है। इस दौरान अगर आप सीट रिजर्वेशन करते हैं तो आपको अपनी मनचाही सीट क्यों नहीं मिलती। जैसा कि आपको एक सिनेमा हॉल की सीटें बुक करने में आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, इसके पीछे एक विज्ञान छिपा है। ट्रेन में रिजर्वेशन कराना हॉल में सीट बुक कराने से अलग है। मूवी थिएटर्स एक हॉल है, जबकि ट्रेन एक चलती हुई वस्तु है। क्योंकि ट्रेनों में सुरक्षा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसीलिए रेलवे ने बुकिंग सॉफ्टवेयर को इस तरह बनाया गया है कि सॉफ्टवेयर टिकटों को इस तरह बुक करेगा कि ट्रेन में लोड समान रूप से बांटा जा सके। हम इसको एक एग्जांपल में समझ सकते हैं। मान लीजिए कि एक ट्रेन में स्लीपर कोच का S1, S2, S3 से लेकर S10 तक के कोच हैं और सभी कोच में 72 सीटें हैं। इस ट्रेन में जब कोई पहली बार टिकट बुक करता है तो सॉफ्टवेयर बीच वाले कोच में सीटों को बुक कर देगा। उदाहरण के लिए S5 कोच में सीट नंबर 30-40 रेलवे उसको आवंटित करेगा। इसके अलावा रेलवे सबसे पहले लोअर बर्थ बुक करता है ताकि गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कम हो। सॉफ्टवेयर सीटों को इस तरह से बुक करता है कि सभी डिब्बों में यात्रियों की संख्या समान हो, यानी यात्रियों की संख्या समान रहे। ट्रेन में सीट बीच की सीटों में 36 से शुरू होकर गेट के पास की सीटों तक, यानी 1 से 2 या 71 से 72 से निचली बर्थ से ऊपर तक भरी जाती है। ऐसा ट्रेन का बैलेंस बनाए रखने के लिए किया जाता है, ताकि सभी कोचों का वजन बराबर हो। ऊपरी बर्थ टिकट की अंतिम बुकिंग पर बुक की जाती है। दोस्तों, यदि S1, S2, S3 पूरी तरह से भरे हुए हैं और S5 और S6 पूरी तरह खाली हैं, तो अन्य कोच आधे आधे भरे हैं, तो जब ट्रेन मोड़ लेती है या जब ट्रेन किसी मोड़ पर टर्निंग पॉइंट आता है, तो कुछ डिब्बे अधिकतम केंद्र पर प्रसारक बल का सामना करेंगे। इससे ट्रेन के पहिए पटरी से उतर जाएंगे और कोई भी दुर्घटना हो सकती है। यही कारण है कि रेलवे इन समस्याओं से बचने के लिए ट्रेन के लोड को बांट देता है, और बांटने के कारण जो यात्री लोग होते हैं उनको उनकी मनचाही सीटें नहीं मिल पाती। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।